इंदौर के सीएचएल अस्पताल में शिवम का इलाज चल रहा है। शिवम के ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर्स ने उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने की बात कही है। सीएचएल हॉस्पिटल के न्यूरो हेड डॉक्टर प्रणव घोड़गांवकर का कहना है कि उसके सिर की हड्डियों में चोट और ब्लड क्लॉट हो गया था। मैं गंभीर चोट लगने की वजह से मेरे पास लाया था, संभवतः उसे किसी भारी वस्तु पत्थर या किसी ऐसी चीज से चोट लगी हो। मस्तिष्क में एक बड़ा सा खून का थक्का था और खोपड़ी की हड्डी लगभग चकनाचूर हो गई थी उस हिस्से में। हमने उसको तुरंत ऑपरेशन किया उसी रात में और क्लॉट्स जो थे ब्रेन में जिनको खून का थक्का कहते हैं वो निकाले और जो हड्डी टूट गई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद लगभग दो दिनों तक वो वेंटिलेटर पे रहा, जो कि उसको उसके अलावा इलाज या जो दवाइयाँ ज़रूरत थी उस सारी चीज़ें की गई। हम उसको तीसरे दिन वेंटिलेटर से बाहर ला पाए। उसकी स्थिति में संतोषजनक निरंतर सुधार होता रहा। आज मेरे अंदाजे से पाँचवा दिन है, उसकी स्थिति स्थिर है, वो वेंटिलेटर के बिना स्वस्थ है और जागता है, कुछ बातें समझने का प्रयास करता है, हाथ पांव हिलाता है। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं या कुछ एक आधा शब्द बोलता है, पर जिस तरह से उसकी स्थिति स्थिर है इससे इस बात की आशा की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति में और सुधार होगा और वो संभवतः पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएगा, सामान्य हो पाएगा।